हैं पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसाइटी मोरनी संस्थान में हमारे पास चार ब्रांचेस हैं। पहली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरी जो ब्रांच है हमारी वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तीसरी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, चौथी जो ब्रांच है हमारे पास वो है फैशन टेक्नोलॉजी। इन सीट्स का हमारे पास 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड एरिया के लिए। एडमिशन फॉर्म जो निकलते हैं डिप्लोमा में एडमिशन के लिए वो अप्रैल के मिड में निकलते हैं, इस साल कोविड की वजह से वो मई में निकलेंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे उसके बाद बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट्स प्रोस्पेक्ट में दे रखी होगी। डिप्लोमा के लिए जो एलिजिबिलिटी है हमारी वो 10th पास है विद 35% मार्क्स, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स 10th में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बच्चों का, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सेंटर चूज करना पड़ेगा और जो भी उनको डेजिग्नेटेड सेंटर मिलेगा वहाँ पे जाके बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसी सेंटर से एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट बच्चे को दी जाएगी। जब उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे डेजिग्नेटेड सेंटर से, उसके बाद 10th के नंबरों के बेसिस पे और हरियाणा लेवल पे मेरिट बनाई जाएगी, बच्चों को एक रैंक नंबर दिया जाएगा। उसके बाद उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि वो कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन सी ब्रांच में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। उनकी मेरिट के अकॉर्डिंगली उन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी। जब उन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद बच्चे दोबारा से इंस्टीट्यूट में जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वहाँ पे बच्चों की, और एक बार फिर से उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वहाँ पे उनको एक एडमिशन स्लिप निकाल के प्रोवाइड करेगा। जब बच्चे को एडमिशन स्लिप मिल जाएगी उसके बाद बच्चे का एडमिशन कन्फर्म। मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनीज में
अगर वो इसके बाद लिए काम प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में काम ना करना चाहिए तो अपना खुद का भी बिजनेस सेट कर सकते हैं आईटी सेक्टर में और क्लाइंट से हम वर्क कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स बना के भेज सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट्स बना कर भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पास ऑप्शन है कि वो डिप्लोमा करने के बाद या तो जॉब करें या फिर अपना खुद का काम शुरू करें। स्कोप ऑफ फर्दर स्टडीज, अगर स्टूडेंट्स जॉब ना करना चाहें तो आगे स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट्स लीड एग्जाम के थ्रू बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्टली पा सकते हैं, इससे उनका एक साल भी सेव हो जाता है, वो तो 3 साल में ही बीटेक कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल डिग्री कोर्सेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लाइक बीए, बीएससी, बीबीए एक्सेट्रा, इस तरह के वेरियस डिसिप्लिन में वो लोग एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट ईयर। यहाँ से डिप्लोमा करने के बाद जो स्टूडेंट्स प्लेस हैं हमारे लास्ट ईयर्स का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उनका एनुअल पैकेज 2 लाख पर एनम है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाने के बाद बीटेक कर चुके हैं तो ऐसे एलुमनाई हमारे पास हैं जिनके तो बहुत अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं और बहुत रेपुटेड कंपनीज में काम कर रहे हैं। लाइक एक स्टूडेंट है जिसका एनुअल पैकेज 13 लाख पर एनम है, वो TCS में काम कर रही है। एक स्टूडेंट है HCL में काम कर रही है 5 लाख पर एनम पे। एलुमनाई लिस्ट अगर देखना चाहें तो वो हमारे कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले है। डिप्लोमा प्रोग्राम है जो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, जिसके तहत हम कोशिश करते हैं अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एफिशिएंटली तैयार करने की। जैसे कि ये 3 इयर्स प्रोग्राम है, इसके फर्स्ट 2 इयर्स में स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट कि दे कैन हेल्प आउट, दे कैन एड इन द टाइमली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज थ्रू द डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस कोर्स के पहले 2 सालों में बच्चे संस्थान में ब्लड टेस्टिंग, ब्लड सैंपलिंग, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, लिपिड प्रोफाइल्स, प्रोटीन, थायराइड के बारे में और कैंसर की स्टडी के बारे में थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। और इस गेन की हुई नॉलेज के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लाइफ सिचुएशन में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनल ईयर में बच्चों को 1 साल की इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स के लिए वेरियस हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। DMLT का डिप्लोमा पास करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए जो जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ आपको। DMLT पास आउट स्टूडेंट वेरियस हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एज लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में दे कैन वर्क एज एनालिस्ट। इसके अलावा अलग अलग क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके दे कैन वर्क ऑन दोज रिसर्च प्रोजेक्ट्स। और जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स इसके बाद ऑफ किए जा सकते हैं लाइक BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इन द स्पेसिफिक एरियाज लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। तो हायर एजुकेशन के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए जा सकते हैं। आज के सिनेरियो में जबकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई डिजीज हमारे सामने आ रही है, तो अलग अलग कारणों की वजह से उस सिचुएशन में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स का रोल और भी अहम हो जाता है सो दैट कि टाइमली डिजीज का डायग्नोसिस किया जा सके और ताकि पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट दिया जा सके और किसी भी और हम अपने देश में एक हेल्दी एटमोसफेयर अपने कंट्री में इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा एक करियर के तौर पे एक बहुत बेहतर विकल्प है जिसमें कि स्टूडेंट्स आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है।